हाय दोस्तों, टी4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब अभी अपडेट होने के बाद प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे कुछ चेंज हो चुका है कि आप उसका प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप प्ले स्टोर की सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्ले स्टोर एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर आपको तीन लाइन देखने को मिलते थे और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑप्शन में जाते थे जहाँ आपको हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब जो है आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है ऊपर में, ये देखिए प्रोफाइल फ़ोटो, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो में क्लिक करेंगे उसके बाद पेज आपका इस तरीके से खुलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स वाले ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट में जो लिखा हुआ है जनरल, यहाँ पर अकाउंट प्रेफरेंस एंड नोटिफिकेशन जनरल वाले ऑप्शन में फर्स्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हिस्ट्री के नीचे जस्ट, यहाँ पे ऑप्शन है कि क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री रिमूव सर्चेस डेट यू हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम द डिवाइस, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप पूछेगा कि क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, तो यहाँ पे क्लियर में हम क्लिक कर देंगे। अब हमने क्लियर कर दिया है, अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारा डिवाइस हिस्ट्री क्लियर हुआ है या नहीं। तो अब यहाँ पे जो भी हमने सर्च किया था यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं देखेगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी सर्च नहीं दिख रहा है। और जब आप सर्च करते हैं जैसे कि गूगल, इस तरीके से हमने सर्च किया और अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमने क्या क्या चीज़ सर्च किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वीडियो से सीख चुके होंगे कि कैसे आप प्ले स्टोर अपडेट करने के बाद अब हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।